एपिसोड 13 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं किम उनसे पूछ रहा था क्या तुमने ही ओमजी को मारा है, जिस पर वो मना करते हैं और सोली को पता चल जाता है कि वो झूठ नहीं बोल रहे। ये देखकर किम अपने हाथ पीछे कर देता है, लेकिन तभी वो कहने लगते हैं मैं चाहता ही था कोई उसे मार दे ताकि मुझे इंश्योरेंस का पैसा मिल सके। एक दिन मैंने उसे कॉल किया था कि तुम अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई, जहां पर ओमजी कह रही थी मेरे पास तुम्हें पैसे देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं मरना चाहती हूँ और तुम मेरा फ्यूनरल भी मत रखना, मैं नहीं चाहती तुम वहां पर लोगों से पैसे लो। ये सुनकर किम कहता है तो फिर ये बात तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताई, जिस पर वो कहते हैं कि तुम पागल हो, अगर मैं ये बात उन्हें बता देता तो मुझे इंश्योरेंस का पैसा कैसे मिलता। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है कि तुम अपनी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, जिस पर वो कहते हैं उसे मैंने नहीं तुमने मारा है, जिस पर सोली कहती है नहीं इसने उसे नहीं मारा। योंगो उसे देखकर कहता है तुम कौन हो, क्या इसका नेक्स्ट विक्टिम, और जैसे ही वो सोली की तरफ बढ़ने लगता है बार कॉर्नर उसे मारने लगता है और उसे पूछता है सच बताओ असली कल्प्रिट कौन है। तभी वो वहां पर जेचिन को देखता है और कहता है ये लड़का मेरी बेटी का पीछा करता रहता था। जैसे ही सब उसे देखने लगते हैं जेचिन वहां से भागने लगता है, किम भी अपनी गाड़ी निकालकर उसका पीछा करने लगता है, वही सोली भी बार के ओनर के साथ उसका पीछा करने लगती है। काफी देर पीछा करने के बाद किम उसे पकड़ लेता है और उसे पूछता है क्या तुमने सच में ओमजी को मारा, जेचिन कहता है हाँ मैंने ही उसे मारा था, और तभी हंसने लगता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, और उसे कहता है क्या तुम्हें पता है वो मेरे साथ भी डेट कर रही थी, असल में वो झूठ बोलकर किम को कंफ्यूज करना चाहता था। लेकिन तभी वहां सोली आ जाती है, ये सुनकर किम फिर से उसे पूछता है क्या तुमने ही उसे मारा था, लेकिन वो किम को धक्का देकर सोली की गर्दन पर चाकू रख देता है और उनसे कह रहा था मुझे यहां से जाने दो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं इसे मार डालूंगा। वो किम से गाड़ी की चाबी भी मांगता है और फिर सोली को धक्का देकर वहां से भाग जाता है। किम वहां पर सोली को हक कर लेता है क्योंकि वो काफी डर गया था, जिसके बाद वो दोनों घर की ओर जाने लगते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं जब सोली की आंख खोलती है तो वो देखती है कि वो दोनों ही कार में सो रखे थे। वो फिर किम को उठाती है और रूम में जाकर सोने के लिए कहती है, लेकिन किम मना करता है और कहता है मैं द्युकचेन से मिलने की सोच रहा था, शायद उसे जेचिन के बारे में जरूर पता होगा। तो सोली कहती है द्युकचेन को काफी बुरा लगेगा जब उसे पता लगेगा कि तुम उसके भाई पर शक कर रहे हो, इसलिए मैं जाकर उससे ये पूछूंगी। किम कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें और परेशानी में नहीं डालना चाहता, जिसकी बात सोली वहां से अपने रूम में चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम रिपोर्टर ओजिन को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन के बाहर डिटेक्टिव क्वाक से पूछ रहा था क्या आप ओमजी के केस के बारे में मुझे कुछ बता सकते हो, लेकिन डिटेक्टिव क्वाक उसे कुछ नहीं बताते और वहां से जाने लगते हैं। तो ओजिन जाने से पहले उन्हें अपना कार्ड देता है। वही हम ली को देखते हैं जो कि एक आदमी की दुकान में आया था और ये वही विटनेस था जिसका जिक्र इम्हो ने अपनी डायरी में किया था। वो उसे पूछ रहा था क्या आप मुझे बता सकते हैं आपने वहां क्या देखा था। तो शॉपकीपर कहता है उस दिन मैं अपनी वाइफ के साथ बीच किनारे आया था, मैंने तभी वहां एक लड़का और लड़की को देखा, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लड़का वहां से जा रहा था, लेकिन लड़की के चिल्लाने पर वो उसके पास वापस आ जाता है। जिस पर ली कहता है इसका मतलब तुमने उसका चेहरा नहीं देखा, तो वो आदमी कहता है हाँ मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, पर वो लड़की उसे संजू कहकर बुला रही थी और उसके बाद मैं वहां से चला गया, लेकिन न्यूज में लिखा था कि वो लड़का उसे वहां से छोड़कर मैच देखने चला गया। अब ली को भी थोड़ा शक हो रहा था और उसे इमो की बात याद आती है जहां पर वो कह रहा था हिकचुन की पुलिस पर भरोसा मत करना। वही हम किम को देखते हैं जो कि द्युकचेन से मिलने पहुंचा था, उसे देखकर द्युकचेन कहता है मुझे माफ करना तुम्हें लेकर मेरी कंपनी ने गलत आर्टिकल लिख दिए थे। किम कहता है कोई बात नहीं और उसे बताता है कि मैं हिकचुन गया था। द्युकचेन हैरान होकर पूछता है तुम वहां क्यों गए, क्या पुलिस ने तुम्हें बुलाया था। किम कहता है नहीं मैं रियल कल्प्रिट को ढूंढना चाहता था और तुम्हें पता है मुझे वहां पर जेचन भी मिला। जिस पर द्युकचेन कहता है हाँ मैं जानता हूँ वो वहां पर जाया करता है, मैंने कई बार उसे मना किया लेकिन वो मेरी बात नहीं मानता। फिर किम पूछता है क्या तुम्हें यह भी पता था
कि वो ओम जी को पसंद करता था और इस वक्त वो कहाँ है। दिवचिन कहता है, हाँ मुझे इस बारे में पता था, लेकिन वो सिर्फ उसका क्रश थी। पर तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम उस पर शक कर रहे हो? किम कहता है, हाँ क्योंकि हेकचिन में मैं वहाँ पर ओम जी के डैड से भी मिला। उन्होंने बताया कि तुम्हारा भाई हमेशा ओम जी का पीछा करता रहता था। दिवचिन कहता है, वो शराबी है, तुम उसकी बात पर यकीन कैसे कर सकते हो? तुम भूल गए हमने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? और फिर उसे वहां से जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम सोली को देखते हैं जो कि किम को लेकर काफी परेशान थी। तभी उसे रास्ते में चोरोक मिलती है और उसे बताती है कि यहाँ पर एक आदमी आया था जो कि तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। सोली कहने लगती है, आखिर वो कौन हो सकता है? तभी चोरोक कहती है, वो देखो वही आदमी था जो यहाँ आता रहता था। और तभी सोली वहां देख कर कहती है, ये तो मेरे डैड है। जिसके बाद वो उन्हें लंच के लिए ले जाती है और पूछती है, आप कैसे हो? वो कहते हैं, मैं ठीक हूँ, पर मैं यहाँ तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में बात करने आया था। सोली कहती है, जरूर आपको मॉम ने ही बताया होगा, पर सच में वो मर्डरर नहीं है। वो काफी अच्छा है और आपको पता है वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। ये सुनकर उसके डैड खुश होते हैं और उसे फ्यूचर के लिए ब्लेसिंग भी देते हैं। जब वो खाना खाकर बाहर आते हैं तो सोली को अपनी मॉम का कॉल आता है जो कि उससे पैसे मांग रही थी। तभी उसके डैड समझ जाते हैं और वो उससे फोन लेकर उन पर चिल्लाते हैं कि तुम इससे पैसे क्यों मांगती रहती हो? क्या तुमने इसे बैंक समझ रखा है? और फोन काट देते हैं। वो सोली को ये भी कहते हैं कि तुम्हें इसका नंबर ब्लॉक कर देना चाहिए। वही हम सोली की मॉम को देखते हैं जिन्होंने फिर से किसी को फंसा रखा था और उन्होंने उनके लिए काफी अच्छा गिफ्ट भी लाया था। फिर शाम को हम किम को देखते हैं जो कि काफी परेशान लग रहा था। वो सोली को कॉल करता है लेकिन सोली उसका फोन नहीं उठाती। जिसके बाद उसके रूम के बाहर जाता है और पूछता है, क्या तुम सुबह की बात से नाराज हो? लेकिन वो तो अपने लूनी के लिए परेशान थी जो कि उसके कछुए का नाम था और वो उसे कहीं नहीं मिल रहा था। जिसके बाद किम भी उसको ढूंढने में मदद करता है और जैसे तैसे कर कर उसे ढूंढ ही लेता है, जिसे पाकर सोली काफी खुश हो जाती है और उसे बताती है कि जब से मैं स्कूल में थी तब से लूनी मेरे साथ था और मैं इसके साथ अपनी सारी प्रॉब्लम भी शेयर करती थी। वो फिर साथ में डिनर करने लगते हैं। तभी उसके पास ली का मैसेज आता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन इस बारे में तुम सोली को मत बताना। उसके बाद किम उससे मिलने पहुंचता है जहां ली उससे पूछ रहा था, जिस दिन ओम जी गायब हुई क्या तुम उसी के साथ थे? किम कहता है, मैं वहां से घर चला गया था। ली कहता है, लेकिन रिपोर्ट में तो ये लिखा था कि तुम वहां से पब में मैच देख रहे थे, वो भी दुकचन और जेचिन के साथ। तो किम कहता है, हाँ उन्होंने यही गवाही दी थी। फिर ली कहता है, मैं एक विटनेस से मिला था और उसने मुझे बताया ओम जी के पास जो लड़का था उसने सॉकर की जर्सी पहनी हुई थी। तो किम कहता है, शायद वो जेचिन हो सकता है क्योंकि मुझे हाल ही में पता चला कि वो भी ओम जी को काफी पसंद करता था और उसका पीछा करता था। ली सुनकर थोड़ा शॉक होता है और उसे कहता है कि तुम उसी पर शक कर रहे हो जिसने तुम्हारी तरफ से गवाही दी थी। तो किम कहता है, हाँ क्योंकि मुझे उस पर शक है। और जाने से पहले उसे कहता है, आज के बाद मुझे ऐसे चुपचाप मत बुलाना क्योंकि मैं सोली से कुछ भी नहीं छुपाना चाहता। नेक्स्ट सीन में हम डिटेक्टिव क्वाक को देखते हैं जिसकी बेटी की हालत काफी खराब हो गई थी, जिस वजह से उसे आईसीयू में शिफ्ट किया जा रहा था और डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि इसका बचना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। फिर हम देखते हैं कि उसे किम की मॉम ने मिलने बुलाया था और उसे कह रही थी, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरे बेटे के केस को अच्छे से संभाला है और अगर इलेक्शन सही रहा तो मैं तुम्हें प्रमोशन भी जरूर दिलाऊंगी और हो सकता है तुम्हारा ट्रांसफर भी हो जाए। डिटेक्टिव कहता है, मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मेरी बेटी हॉस्पिटल में है। लेकिन वो कहती है, तुम्हें जाना ही होगा। तो डिटेक्टिव कहता है, इसका मतलब तुम्हें पहले से ही पता था। और यहाँ उसे समझ आता है कि वो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही थी अपने बेटे को बचाने के लिए। ये पता लगने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं किम और सोली जेजन को ढूंढने के लिए उसकी शॉप आए थे, लेकिन देखते हैं कि शॉप तो बंद थी। वहां एक डिलीवरी मैन भी आता है और वो भी कैफे के अंदर झांक रहा था और उन्हें वहां पता चलता है
कि उसका पार्टनर उसके सारे पैसे लेकर भाग गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव ली से मिलने आते हैं और उसे रिंग देकर कहते हैं, ये रिंग मुझे एमजे के स्केलेटन के पास मिली थी, मुझे माफ करना, मैंने तुमसे इस बारे में छुपाया। और ये भी सच है कि मैंने किम की मॉम से पैसे भी लिए थे, लेकिन वो भी अपनी बेटी के खातिर। और उसे कहता है, तुम इस रिंग से कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हें वो हथियार ढूंढना होगा जिससे एमजी पर हमला किया गया होगा। उसके बाद ली उस रिंग को लेकर कुछ शॉप में जाने लगता है और उनसे इस रिंग के बारे में पता कर रहा था। वहीं हम किम और सोली को देखते हैं जो कि कार से जा रहे थे, तभी उसे बार के ओनर का कॉल आता है कि मेरे आदमियों ने जेचेन को पकड़ लिया है, तुम वहां जाकर उससे पूछताछ कर लो। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो कि अभी भी रिंग के बारे में पता कर रहा था, तो एक शॉपकीपर उसे बताता है ये रिंग काफी पुरानी है, इसलिए यहाँ एक सबसे पुरानी फेमस शॉप है, तुम वहां जाकर इसके बारे में पता कर सकते हो। जिसके बाद वो उसी शॉप में चले जाता है और उसे पूछ रहा था, क्या आप ये देख सकते हो इस रिंग को, क्या सिंगजू नाम के लड़के ने ऑर्डर किया था? थोड़ा देखने के बाद वो लेडी कहती है, हाँ सिंगजू ने ही ऐसी दो रिंग बनवाई थी जो कि कपल्स के लिए थी, लेकिन एक हफ्ते बाद ही उसने दूसरी रिंग ऑर्डर की थी और उसका साइज चेंज कर दिया था क्योंकि उसकी रिंग कहीं खो गई थी। उसने हमें अपना लैंडलाइन नंबर भी दिया था और ली नंबर लेने के बाद वहां से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं वो दोनों भी उसी जगह पहुंच गए थे जहां का एड्रेस बार के ओनर ने बताया था, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखते हैं जेकचिन वहां नहीं था। वो बॉडीगार्ड उन्हें बताते हैं जेकचिन यहां से भाग चुका है, लेकिन सोली को पता चल जाता है वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। वो कहती है वो भागा नहीं बल्कि उसे भगाने के लिए तुम्हें पैसे मिले हैं। तो किम उसे दिगचेन की फोटो दिखाता है और कहता है क्या ये वही है, लेकिन वो फिर भी झूठ बोल रहे थे कि नहीं ये वो आदमी नहीं है, हमने तो इसे कभी भी नहीं देखा है। सोली फिर किम को बता देती है ये झूठ बोल रहे हैं और दिगचेन ने ही उसे पैसे दिए हैं। जिसके बाद वो वहां से चले जाते हैं और अपने अपार्टमेंट में आ जाते हैं। वहां पहुंचकर किम दिगचेन को कॉल करता है और कहता है मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें ऐसे बोलना नहीं चाहिए था। दिगचेन कहता है तुम मुझे भी माफ करना, और जब से जेचेन ने अपना रेस्टोरेंट बंद किया है उसके बाद से ही मैं उससे नहीं मिला हूँ, और फिर वो फोन काट देता है। लेकिन हम देखते हैं उसने जेचेन को अपने ही घर में छुपा रखा था। इधर उन्हें दिगचेन पे शक था कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा। तभी सोली को ली का कॉल आता है जिसके बाद वो दोनों उससे मिलने जाते हैं। ली उससे पूछता है जो तुम्हारे पास मैचिंग रिंग थी तुमने उसका क्या किया? किम को गुस्सा आ जाता है कि ये बात मैं 3 बार बता चुका हूँ, मैंने उस रिंग को समुद्र में फेंक दिया था। जिस पर ली पूछता है कि तुमने उस रिंग को दोबारा ऑर्डर किया था, तो किम मना करता है। जिसके बाद ली उसे वही रिंग दिखाता है और बताता है कि ये रिंग हमें एमजी के स्केलेटन के पास मिली थी, अगर ये तुम्हारी नहीं है तो ये जरूर कल्पिट की हो सकती है, मुझे उस आदमी का नंबर भी मिला था जिसने इसे दोबारा ऑर्डर किया था, और ये कोई जेजे बार का नंबर निकला जो कि 6 साल पहले ही बंद हो गया था। किम कहता है ये बार तो जेचेन चलाता था, जिससे उनका शक थोड़ा और भी हो जाता है कि शायद कल्प्रिट जेचेन ही है। ली फिर कहता है इस रिंग से हम कुछ भी प्रूफ नहीं कर सकते, इसलिए हमें वो हथियार ढूंढना होगा जिससे कि उसने एमजी को मारा हो। नेक्स्ट सीन में हम किम की मॉम को देखते हैं जो कि अपने आने वाले इलेक्शन के लिए वोट मांगने गई थी, लेकिन तभी एक लेडी उस पर अंडे फेंकने लगती है क्योंकि उसकी सारी सच्चाई बाहर आ गई थी। हम देखते हैं ये वीडियो डिटेक्टिव ने ही चुपचाप से रिकॉर्ड करी थी जब वो उनसे मिलने गया था। साथ ही डिटेक्टिव ने रिपोर्टर्स को इंटरव्यू भी दिया था और बताया था कि मुझे वहां से एक रिंग भी मिली थी और उन्होंने मुझे इसे छुपाने के लिए पैसे भी दिए थे। ये जानकर तो किम की मॉम पागल ही होने लगती है। वही सोली ने भी ये वीडियो देख ली थी और वो किम को कह रही थी अब सभी को ये लग रहा होगा कि वो रिंग तुम्हारी ही है। जिसके बाद किम उसे कहता है मैं तुम्हारा क्लाइंट बनना चाहता हूँ, और उसे कहता है जब मैं दिगचेन से मिलने जाऊंगा तो तुम मुझे बताना वो झूठ बोल रहा है ये सच। तो सोली फिर उसे एक डिवाइस देती है और कहती है अगर एक बार ये वाइब्रेट होगा तो समझना सच है, और 2 बार का मतलब वो झूठ बोल रहा है। फिर शाम को हम देखते हैं किम बार में आकर दिगचेन को कॉल करता है
और उसे मिलने बुलाता है। वही सोली भी पीछे जाकर छुप जाती है। थोड़ी देर बाद वहां द्युकचन भी आ गया था। किम फिर उससे कहता है, मुझे माफ करना, मुझे लगा तुमने अपने भाई को छुपा रखा था। द्युकचन कहने लगता है, कोई बात नहीं, अगर मैंने उसे अपने घर में भी छुपाया होता तो मैं तुम्हें सबसे पहले ही बता देता। तभी सोली उसे बता देती है वो झूठ बोल रहा है। फिर किम उससे रिंग के बारे में पूछता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, वो रिंग आखिर वहां क्या कर रही है? क्या तुम्हें भी लगता है वो रिंग मेरी है? द्युकचन कहता है, हाँ वो तुम्हारी ही तो रिंग होगी, और किसकी होगी? तो सोली फिर उसे बताती है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि द्युकचन को पहले से ही पता है वो रिंग किम की नहीं है। किम को ये जानकर दुख हो रहा था कि वो मुझसे झूठ पे झूठ बोल रहा है, और फाइनली उससे पूछ ही लेता है कि प्लीज मुझे सच बताओ, जेजेन कहाँ पर है? तो द्युकचन कहता है, क्या तुमने मुझे इसलिए यहाँ बुलाया था? चलो अब मैं तुम्हें सच बता ही देता हूँ। जेजेन खुद को सरेंडर करने के लिए हेकचुन गया है। सोली को पता चल जाता है वो झूठ नहीं कह रहा है, और किम थोड़ा शॉक हो जाता है। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। अभी के लिए इतना ही।